आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवाई के बारे में जो कि बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसका नेम है मिनोक्सिडिल। तो अभी मैं इसको आपको कम्प्लीटली सिंपल लैंग्वेज में और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मिनोक्सिडिल का इन्वेंशन हुआ 1960s में, ठीक है। तो शुरू में इसको हर्ट की डिजीज़ के इलाज के लिए बनाया गया था, डेवलप किया गया था। जब डॉक्टर्स ने इसे टेस्ट किया तो उन्हें देखा कि मतलब दवाई के साइड इफेक्ट्स के रूप में लोगों को बालों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये साइड इफेक्ट्स कैसे था, तो ये हर्ट की डिजीज़ के लिए बनाई गई। वहाँ पर क्या हुआ, लोगों को हेयर ग्रोथ देखने को मिल गई। फिर इस पर और ज़्यादा रिसर्च हुई, डॉक्टर्स वगैरह ने इसको यूज़ करवा के देखा काफ़ी ज़्यादा पर्सनस पे, जैसे भी टेस्टिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर उन्हें देखने को मिला। तो ये एक्चुअल में हेयर्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, हेयर्स को ग्रोथ करवाना स्टार्ट कर देती है। साथ में यहाँ पे देखने को मिला, केवल ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करती, आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, यानी कि हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, जिससे आपके थिक वगैरह ये सब चीजें देखने को मिल जाती है। 1970s में जब ये बात समझ आई तो डॉक्टर्स वगैरह साइंटिस्ट वगैरह ने डिसाइड किया कि इसको बाल्डनेस वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाए। 1988 में FDA ने मिनोक्सिडिल को ओवर द काउंटर मेडिसिन के रूप में अप्रूव कर दिया। इसके बाद ये मेडिसिन हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में आई और लोगों ने इसे यूज करना शुरू किया। अब बात करते हैं फिनेस्टराइड की। फिनेस्टराइड का इन्वेंशन 1990s में हुआ था, ठीक है। इसको बालों की ग्रोथ के लिए बनाया गया था, यानी कि हेयर लॉस को रोकने के लिए बनाया गया था और हेयर ग्रोथ करवाने के लिए बनाया गया था। वैसे फिनेस्टराइड का बोला जाए तो ये DHT को ब्लॉक करने का काम करती है, यानी कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को। इससे क्या होता है, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट मिलती है, DHT आपके हेयर लॉस को बढ़ाता है। इसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा थिनिंग वगैरह, बाल्डनेस वगैरह ये सब चीज़ें मेल्स को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पर फिनेस्टराइड आपको रिकमेंड की जाती है, जिससे आपको और अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जब भी किसी को हेयर लॉस देखने को मिलता है, सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल आपके हेयर लॉस को रोकती है, इसीलिए सबसे पहला नाम मिनोक्सिडिल का ही हमारे दिमाग में आता है। बिकॉज आप लोगों ने काफी ज्यादा इंटरनेट वगैरह पे भी देखा होगा, इसके रिजल्ट्स ही काफी ऑसम रहते हैं। तो क्या मिनोक्सिडिल हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और क्या इसके साथ में फिनेस्टराइड लेना भी काफी ज्यादा जरूरी है, और अगर होता ही है रीग्रोथ तो हम लोग कैसे पहचाने कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ओरल बेस्ट रहेगा या टॉपिकल बेस्ट रहेगा, और क्या सच में मिनोक्सिडिल का ही आता है लोगों की सेक्सुअल लाइफ खराब करने में। अब मार्केट में तरह तरह के मिनोक्सिडिल आ गए, काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा मिनोक्सिडिल आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ट्राया का मिनोक्सिडिल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। इसमें जैसे कि वैरायटीज भी आती है, लोगों को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, जैसे कि इसका ओरल हो गया, ठीक है, टॉपिकल हो गया, लगाने वाला हो गया, ओरल हो गया, खाने वाला। ट्राया आपको सिर्फ टॉपिकल प्रोवाइड करता है, ओरल नहीं। ट्राया का मिनोक्सिडिल है उसमें आपको फिनेस्टराइड मिक्स देखने को मिल जाता है 0.1% में, जो हमारे स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है और एंड ब्लड स्ट्रीम में मिक्स नहीं होता, जिसके कारण आपको कोई भी ट्राया के मिनोक्सिडिल के साथ में सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते। आप नोटिस करोगे जब भी आप मिनोक्सिडिल यूज करना स्टार्ट करोगे आपका हेयर लॉस बढ़ जाता है, और यहाँ पे लोग काफी ज्यादा गलती करते हैं, यहाँ पे मिनोक्सिडिल को यूज करना बंद कर देते हैं। आप लोग डर जाते हो इसीलिए इसको छोड़ देते हो डर के कारण, तो ऐसी चीज आपको नहीं करनी चाहिए। अब इनके पास दो टाइप की मिनोक्सिडिल है, फिकरनोट मैं आपको कंप्लीटली समझाता हूँ। जैसे कि अब ये किसी को भी रिकमेंड करते हैं सबसे पहले मिनोक्सिडिल वगैरह, अगर उसको यूज करने से कोई भी ड्राइनेस वगैरह या ऑलरेडी उसकी स्कैल्प ड्राई रहती है, कोई दिक्कत देखने को मिलती है, तो ये सेकंड मिनोक्सिडिल भी इनके पास में है जो कि अल्कोहल फ्री रहती है। ये मिनोक्सिडिल में सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसके कारण ड्राइनेस देखने को मिल जाती है, उसके अंदर अल्कोहल रहता है। वैसे ज़्यादा केस में वो दिक्कत वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती, बट रेयरली केस में कभी ऐसी दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है तो ये आपको अल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल रिकमेंड कर देती है, जिसके कारण आपको कोई भी स्कैल्प में ड्राइनेस वगैरह या इचिंग वगैरह देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। और मैं आपको बता दूं कि हमारे बाल झड़ते इसलिए क्योंकि हमारे जो कि डेड और वीक बालों के स्ट्रैंड्स होती हैं वो झड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, न्यू बालों के आने की जगह मिले, इसीलिए आपको शेडिंग फेस उसे बोला जाता है, शेडिंग देखने को मिल जाती है स्टार्टिंग में अगर आप मिनोक्सिडिल को यूज करना स्टार्ट करते हो। आपने एक और चीज नोटिस की होगी, जैसे ही लोगों को मिनोक्सिडिल से रिजल्ट्स मिल जाते हैं बहुत से लोगों को, देन वो उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद उनके हेयर्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, काफी फास्ट उनके हेयर्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ट्राया का मिनोक्सिडिल दूसरों से अलग कैसे है, इसका कमाल सिर्फ उनकी किट में, ऐसा नहीं कि आप लोग सोचो कि मिनोक्सिडिल का कमाल है, इनका कमाल है इनकी किट में। जैसे कि आपको काफ़ी सारी टैबलेट्स देखने को मिल जाती है जो कि हर्बल ही एक तरह से आयुर्वेदिक है, जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते, और ये आपका हेयर ग्रोथ भी करवा देती है, हेयर्स की डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। अब इनका ये भी नेसेसरी नहीं है कि आप लोग सोचो
कि आप लोग इनसे ट्रीटमेंट लेने जाओगे तो ये आपको मिनोक्सिडिल ही रिकमेंड करेंगे। स्टार्टिंग के फेस में आपको ये सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, सब चीज़ें देखेंगे, पूछेंगे, उसके बाद इनको लगता है कि अभी इसकी स्टार्टिंग फेस है, तो यहाँ पे आपको रिकैप सीरम रिकमेंड की जाती है जो कि हेयर ग्रोथ सीरम रहती है, ठीक है। डायरेक्ट आपको मिनोक्सिडिल पे नहीं लाया जाता। अगर इनको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा बाल्डनेस आ गई है फिर उस हिसाब से आपको ट्रीट किया जाता है। प्राय की एक और अच्छी बात है, जैसे कि कुछ फीमेल्स की कंडीशन रहती है जैसे कि प्रेगनेंसी वगैरह, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह एक्सेट्रा, तो इस कंडीशन में ट्राया आपको मिनोक्सिडिल वगैरह रिकमेंड नहीं करता। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जिसने इतना ट्रांसपेरेंसी रखा हो ट्रीटमेंट देने में, तो ट्राया ने यहाँ पे मेरा भरोसा जीत लिया। अगर आप लोगों को भी रीग्रोथ चाहिए और रूट कॉज जानना चाहते हो तो आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाकर अपना फ्री में टेस्ट वगैरह करवा सकते हो और ये आपको फ्री में ही चीजें रिकमेंड कर देते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।